नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। लालू यादव की बिहार में जल्द होगी एंट्री, पटना आने की हो रही है तैयारी। तेजस्वी यादव ने कर दी पुष्टि, नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2 दिन में हो जाएगा वेतन भुगतान। सीएम नीतीश ने कहा 2 महीने का पैसा 2 दिन में दिया जाएगा। 12वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी का मौका, 92,000 तक मिलेगी सैलरी। आगे जानिए पूरी खबर। बिहार में बाढ़ संकट, 10 जिलों में फिर से बढ़ा खतरा, उफान पर है नदियां। बालू के अवैध खेल में शामिल अधिकारियों की संपत्ति जब्त होगी, आय से अधिक संपत्ति का मामला। दरभंगा और मधुबनी जिले का सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्टीमर से भी लिया जायजा। पटना एम्स में वेंटिलेटर की कमी से 2-3 पेशेंट की मौत, डॉक्टर ने नीतीश सरकार के दावे को बताया झूठा। पूछा 13 करोड़ की आबादी में 500 वेंटिलेटर से क्या होगा। खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जेल से रिहा होने के बावजूद दिल्ली में रह रहे लालू प्रसाद यादव की अब जल्द ही बिहार में एंट्री होगी। लालू के पटना आगमन की तैयारी हो रही है। तेजस्वी यादव ने लालू यादव के जल्द ही पटना आने की पुष्टि कर दी है। मंगलवार को दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लालू जी की तबीयत पहले से ठीक है, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और धीरे धीरे, आप लोगों ने देखा ही होगा कि कल जन्माष्टमी थी, दिल्ली में हमारी जो बहन रहती है उनके यहाँ मनाया गया था, तो वहाँ लालू जी गए भी थे। मुझे लगता है कि वे जल्द ही बिहार आ जाएंगे। लालू यादव के नजदीकी लोग भी बता रहे हैं कि उनके पटना आने की तैयारी की जा रही है। दरअसल परिवार से लेकर पार्टी की स्थिति ऐसी बन गई है जिससे कि लालू यादव की दिल्ली में रहने से नुकसान हो रहा है। वहीं उनके स्वास्थ्य में पहले से सुधार है। 1 सप्ताह पहले दिल्ली एम्स में हुई जांच में उनकी रिपोर्ट पहले से काफी सही आई है। ऐसे में डॉक्टरों से एक बार और मुलाकात के बाद लालू यादव पटना आने का दिन तय कर सकते हैं। जी हाँ, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 दिन में नियोजित शिक्षकों का भुगतान हो जाएगा। शिक्षकों के वेतन के लिए सरकार ने 16 अरब से ज्यादा की राशि जमा कर दी है। 2 दिन में टीचर का भुगतान कर दिया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक श्रीकांत शास्त्री की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षकों के भुगतान के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित कर दिया गया है। विभाग के पत्रांक संख्या 5490 के अनुसार समग्र शिक्षा अंतर्गत बिहार में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को जून और जुलाई महीने के वेतन के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है। पत्र में लिखा गया है कि प्रारंभिक शिक्षकों के 2 महीने जून और जुलाई के वेतन भुगतान के लिए सरकार ने 16,48,84,19,430 रुपये जारी कर दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि 2 दिनों के अंदर शिक्षकों का वेतन भुगतान कर राज्य कार्यालय को सूचित करेंगे। रेलवे में 12वीं पास लोगों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने पश्चिम रेलवे में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा के जरिए ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आरआरसी पश्चिम रेलवे भर्ती के माध्यम से स्पोर्ट्स कोटा के तहत कुल 21 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए ही वैकेंसी निकली है। बता दें कि रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा भर्ती के लिए सभी पद अनारक्षित है, यानी कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। आरआरसी स्पोर्ट्स कोटा भर्ती के लिए आवेदक की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें अधिक आयु वाले उम्मीदवार योग्य नहीं होंगे। इन पदों पर नौकरी पाने के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पश्चिम रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcwr.com पर जाकर 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में इस भर्ती के लिए पे लेवल 4 और 5 के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। वहीं लेवल 2 और 3 के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक होगा। इसके साथ ही संबंधित खेल से विशेष स्पोर्ट्स योग्यता भी होनी चाहिए। बिहार में बाढ़ का संकट अभी टला नहीं है। मॉनसून भले ही अब अपने अंतिम दौर में हो, लेकिन राज्य की ज्यादातर नदियां अभी भी उफान पर है। उत्तर बिहार के साथ कोसी क्षेत्र में बाढ़ का संकट फिर गहराता जा रहा है। नेपाल से निकलने वाली ज्यादातर नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही है। गंडक का डिस्चार्ज भी काफी बढ़ गया है। नेपाल से बिहार से इस नदी के जरिए सोमवार को वाल्मीकि नगर बराज पर
3,53,000 क्यूसेक पानी आया है। बिहार में इस वक्त कुल 10 बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी से भी बड़ा क्षेत्र में लगभग 2,00,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। गंगा नदी के जलस्तर में भी बक्सर से भागलपुर तक एक बार से उफान आने लगा है। हालांकि हाथीदह और कहलगांव को छोड़कर सभी जगहों पर लाल निशान से नीचे है। कोसी नदी खगड़िया में लाल निशान से 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। कटिहार में यह नदी लाल निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर है। गंडक में भी गोपालगंज में 142 और मुजफ्फरपुर में 54 सेंटीमीटर ऊपर है। इन जिलों में इसका बढ़ना अभी जारी है। नदियों में जारी उफान को लेकर जल संसाधन विभाग लगातार अलर्ट पर है। आपदा प्रबंधन विभाग को भी राज्य सरकार ने हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा है। बिहार राज्य के अंदर बालू के अवैध खेल में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होगा। सरकार इनकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। सरकार ने तय किया है कि अवैध बालू खनन में नए कई अधिकारियों पर अब आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होगा। आर्थिक अपराध इकाई की जाँच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अधिकारियों की संपत्ति को लेकर हैरान करने वाली जानकारियाँ सामने आ रही है। इकाई की जाँच अभी जारी है, पर आय से अधिक संपत्ति की जद में कई अफसर आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं, उन पर जल्द ही आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकंजा कस जाएगा। जांच में जिनकी ज्यादा संलिप्तता ज्यादा पाई गई है, उन पर नकेल भी पहले कसी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अवैध बालू खनन में फील्ड में हटाए गए सभी 41 अधिकारियों की संपत्ति की जाँच ईओयू कर रही है। चूंकि दागी अफसरों की सूची लंबी है, इसीलिए जाँच के लिए भी अनोखा तरीका अपनाया गया है। बालू के अवैध खनन में जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों का अंबार था और शुरुआत जाँच के जिनकी संलिप्तता ज्यादा पाई गई थी, उनकी संपत्ति पहले खंगाली जा रही है। कई अफसरों के खिलाफ जांच लगभग पूरी हो गई है और आय से अधिक संपत्ति होने को लेकर साक्ष्य भी हाथ लगे हैं। जिन अफसरों के खिलाफ प्रमाण मिला है, उन पर कभी भी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते मंगलवार को दरभंगा और मधुबनी जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न पुलों एवं तटबंधों का निरीक्षण भी किया। मधुबनी और दरभंगा जिले का एरियल सर्वे करने के दौरान मुख्यमंत्री दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंचे, जहां एनडीआरएफ की टीम के साथ स्टीमर में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि हायाघाट रेलवे स्टेशन के पास मुंडा पुल पर बाढ़ के पानी आ जाने से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन भी बंद हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान कई अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ थे। मुख्यमंत्री ने एक एक चीज को बारीकी से देखा और इन इलाकों में चलाए जा रहे राहत कार्यों पर भी जानकारी ली। राजधानी पटना स्थित एम्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की बहुत कमी है। वेंटिलेटर की कमी के कारण 2 से 3 पेशेंट ने दम तोड़ दिया है। एम्स में वेंटिलेटर की व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार के दावे को झूठा बताते हुए डॉक्टर ने सवाल खड़ा किया है और पूछा है कि बिहार में 13 करोड़ की आबादी में 500 वेंटिलेटर से क्या होगा। पटना एम्स में अगर और 500 वेंटिलेटर भी मंगा दिए जाएं तो ये बेड महज 15 दिन में ही भर जाएंगे। पटना एम्स में कार्यरत डॉक्टर अनिल कुमार ने बिहार में नीतीश सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। दरअसल एम्स के डॉक्टर अनिल कुमार और युवा बिहार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें डॉक्टर अनिल खुद ये कह रहे हैं कि पटना एम्स में वेंटिलेटर की कमी है। वेंटिलेटर नहीं होने के कारण ही 2 से 3 मरीजों की मौत हो गई है। युवा बिहार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान से बातचीत में एम्स के डॉक्टर अनिल कुमार ने आगे कहा कि बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, ऐसे में अगर सरकार 500 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था कर देती है तो ये बेड सिर्फ 15 दिन में ही फुल हो जाएंगे। डॉक्टर अनिल कुमार ने ये भी कह रहे हैं कि इस बात को रिकॉर्ड कर लिया जाए, बिहार के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी होगी। पटना एम्स क्वालिटी के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 अस्पताल है, लेकिन यहाँ बेडों की कमी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी शामिल हुए। गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की धरती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री मदन साहनी के डेलीगेशन में उत्कर्ष किशोर, श्वेता सहाय एवं डॉक्टर मनोज ने बिहार का प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मंत्री मदन साहनी ने बिहार में 20,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने को लेकर बातचीत की और इसे लेकर भारत सरकार से सहयोग
मांगा है। राष्ट्रीय अधिवेशन में पोषण माह की शुरुआत हुई, जिसमें बिहार को पोषण एक में टॉप 5 रहने पर बिहार सरकार के कार्यों को सराहा गया। मंत्री मदन साहनी ने केंद्रीय मंत्री को बिहार की शान मिथिला पेंटिंग युक्त शॉल एवं अंग वस्त्र भेंट किए। कोरोना से लड़ते लड़ते थक रही दुनिया के लिए नई आफत सामने आ गई है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आ गया है। दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में ये वेरिएंट पाया जा चुका है। इस वेरिएंट को लेकर जो शोध हुआ है वह बेहद चिंताजनक है। आशंका यह है कि इस वेरिएंट पर वैक्सीन भी बेअसर साबित हो सकता है। वहीं दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ये दोगुना तेजी से फैलेगा। कोरोना के इस नए वेरिएंट पर दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने शोध किया है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज के वैज्ञानिकों ने क्वाजुलू नेटाल रिसर्च प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर शोध किया है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस साल मई में ही कोरोना के इस नए वेरिएंट का पता चला। वैज्ञानिकों ने इसे C1.2 वेरिएंट का नाम दिया है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ये वेरिएंट पाया गया है, उसके बाद अगस्त तक इसे स्विट्जरलैंड, चीन, कांगो, पुर्तगाल, इंग्लैंड, मॉरिशस, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी पाया गया है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का C1.2 वेरिएंट बेहद खतरनाक है। इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट श्रेणी में रखा जा सकता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी कैटेगरी है जिसमें शामिल वायरस गंभीर लक्षण वाले, इम्यूनिटी को चकमा देने वाले और जांच से बचने की क्षमता दिखाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि ये वायरस एंटीबॉडी और इम्यून सिस्टम से खुद को बचा सकता है। बिहार पुलिस में आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी को लेकर एक नई टीम का गठन होने जा रहा है। बड़े आपराधिक मामलों की जांच में सहयोग के लिए बनाए जाने वाली इस टीम में पुलिस मुख्यालय रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की भर्ती करेगी। ये टीम आपराधिक मामलों के इन्वेस्टिगेशन और अपराधियों को जल्द सजा दिलाने की निगरानी करेगी। गौरतलब हो कि जून महीने में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में बिहार पुलिस में इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल के गठन को लेकर स्वीकृति दी गई थी। राज्य मुख्यालय स्तर पर 1 SP, 7 DSP, 13 इंस्पेक्टर, 8 ASI और 11 सिपाही के पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई थी। इनके अलावा 21 कंप्यूटर ऑपरेटर और 8 चालक सिपाही के पद भी स्वीकृत करने की भी घोषणा की गई थी। अब इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल यानी कि IMC में इन सभी पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। गृह विभाग ने समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन सेल के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त अवर निरीक्षक और सहायक अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी का पुनर्नियोजन किया जाए। पदाधिकारियों, सहायकों और अन्य कर्मियों की सीधी नियुक्ति या पदस्थापन होने तक रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों और सहायकों के पुनर्नियोजन की विवरणी तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजने का भी निर्देश दिया गया है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।